नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमीत सिंह और आप सभी देख रहे हैं मिस्टर सिंह मैकेनिकल। दोस्तों, आज मैं अपने फ्रेंड की शॉप पे हूं और उनके पास ये एक सोनी का टीवी आया है जिसका कि मॉडल नंबर आप सब देख पा रहे होंगे KLV22P413D। ये एक सोनी का टीवी आया है इनके पास और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी बैकलाइट भी ओके है और साउंड भी ओके है लेकिन डिस्प्ले नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आइए पहले टीवी को ऑन करते हैं। तो दोस्तों, ये सोनी का ओरिजिनल एडेप्टर है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 19.5 वोल्ट आउटपुट और नियर अबाउट 3 एम्पियर का ये एडेप्टर है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपको हमेशा ओरिजिनल एडेप्टर ही यूज़ करना चाहिए कभी भी। तो सबसे पहले अब हम टीवी को ऑन करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये एडेप्टर मैंने प्लग इन कर लिया है और हम टीवी को भी ऑन कर लेते हैं। ऑन कीजिएगा टीवी भाई साहब। तो दोस्तों, देखते हैं इसको ऑन करके। तार कायदे से लगी नहीं थी, दोबारा तार लगाई हमने। ये देखिए, इंडिकेटर आ गया, बैकलाइट भी जल रही है, आप देख पा रहे हैं लेकिन डिस्प्ले नहीं है। अगर आप सुन पा रहे हो तो आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी स्पीकर आउटपुट से। बैकलाइट ओके है लेकिन नो डिस्प्ले। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डिस्प्ले ना होने की प्रमुख वजह क्या है। तो सबसे पहले डिस्प्ले ना होने की प्रमुख वजह होती है हमारे बोर्ड पे पैनल VCC ना मिलना। तो हम पैनल VCC सबसे पहले चेक करेंगे। मैं यहाँ से लाइट चला देता हूँ ताकि थोड़ा सा रोशनी हो जाए। और भाई साहब, आप ज़रा पकड़िएगा। तो सबसे पहले हम इसकी पैनल VCC चेक करते हैं जो कि हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी अकॉर्डिंग टू पैनल। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। तो इस टीवी में क्या सर्किट बना है पैनल के लिए, VCC के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टीवी में आप अगर देख पा रहे हो तो मैं मल्टीमीटर यहाँ कर देता हूँ। यहाँ 19 वोल्ट इनपुट है इस फ्यूज पे। ये देखिए आप, 19 वोल्ट इनपुट है और इसके अदर साइड हम देखते हैं, वहाँ भी हमको 19 वोल्ट अवेलेबल है। लेकिन यहाँ से हमारा जो इस पैनल की VCC आउट होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। इस पॉइंट पे ये VCC अवेलेबल होगी। ये IC लगी है सोनी ने, ये IC यूज़ की है FR8012 जिसका कि ये आपका एक नंबर पिन है, एक और दो नंबर पिन आउटपुट है VCC और ये ग्राउंड है। दोनों पिन है, 3 और 4 ग्राउंड है। छठवें नंबर पिन की जो है इसकी, ये पिन जो है आपकी, ये एनेबल की पिन है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एनेबल की वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारी फीडबैक की पिन है, ये हमारी एनेबल की पिन है। एनेबल की वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हमारे पास आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल रहा पैनल VCC के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये IC नहीं है FR8012। हमने बनारस की पूरी मार्केट में ट्राई कर लिया लेकिन हमें नहीं मिली FR8012। तो हम इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे कि हमारा ये रिपेयर एज लाइक ओरिजिनल हो जाए, और एनेबल होने के बाद हमारी बैकलाइट जलती है या नहीं जलती है, हमें क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे हम पहले इस IC को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम कनेक्शंस करेंगे। तो मैं इस IC को रिमूव करता हूं, उसके बाद आपको कनेक्शन शो करता हूं। यहां तक तो मैंने आपको दिखा दिया 19 वोल्ट हमारी प्रेजेंट है। मल्टीमीटर में दिखा दीजिए तो कि हमारी इनपुट वोल्टेज ओके है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर इसमें आगे और क्या करना है। एनेबल की भी वोल्टेज है तो पहले मैं IC रिमूव करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। दोस्तों इस IC को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले
मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूं दोस्तों, ताकि समय नुकसान ना हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने आईसी निकाल ली है। अब हम इस एरिए को थोड़ा क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो हम पहले बोर्ड को क्लीन कर ले। तो देखिए दोस्तों, ट्रैक हमने साफ कर लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लीन हो गया है। अब हम इस पे मॉडिफिकेशन करेंगे दोस्तों। तो वो मॉडिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, जिससे कि कभी ऐसा सेट आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ मॉडिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल लिया है। ये मॉड्यूल है LM2596 स्टेप डाउन, और इस मॉड्यूल के कनेक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से 19 वोल्ट उठाया है, यहाँ से ग्राउंड ली है, और इसके इनपुट पे हमने दे दिया है। उसके बाद हमने एक मॉड्यूल और लेना है, CA1235। अब ये मेरे पास यूज़ किया हुआ मॉड्यूल था, तो मैं ये लगा दे रहा हूँ। आप नया मॉड्यूल लगा सकते हैं, यूज़ किया हुआ लगा सकते हैं, जैसा आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। इस मॉड्यूल में कुछ मॉडिफिकेशन हमें करने हैं, वो मॉडिफिकेशन क्यों करने हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमें मॉडिफिकेशन क्यों करना है। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस रिमूव किया है, आप अगर देख पा रहे हैं तो, ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने कहाँ से रिमूव किया, ये देखिए, इस पॉइंट से मैंने ये रेजिस्टेंस रिमूव किया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है इस आईसी का एनेबल पॉइंट है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एनेबल दे देंगे तो हमारा पैनल VCC रेगुलर नहीं रहेगी, जो हमारी पैनल पे VCC आनी चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ से ही डायरेक्ट 5 वोल्ट उठा के यहाँ पे दे देंगे तो ये डायरेक्ट हमारी VCC रहेगी, ठीक है दोस्तों। और इसको एनेबल करने के लिए हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, तो हम करेंगे क्या, अगर ये हमारी रेगुलर VCC रहेगी तो हमारा स्केलर पे हमेशा वोल्टेजेस अवेलेबल रहेंगी। तो इसीलिए मैंने ये मॉड्यूल भी लगा रहा हूँ, ताकि जब हम रिमोट से टीवी को ऑन करें तभी हमारे पैनल पे वोल्टेज जाए, अदरवाइज हमारे पैनल पे वोल्टेज ना रहे। तो ये मैंने 19 वोल्ट इसको दिए हुए हैं, इसको मैंने 12 वोल्ट पे सेट किया हुआ है, तो मैं इसको 12 वोल्ट दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका मॉड्यूल है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये 5 से 15 वोल्ट इनपुट तक ही काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे यहाँ से 19 वोल्ट निकल रहे थे, इसलिए हम इस पर 19 वोल्ट नहीं दे पाए। हमने 19 वोल्ट को यहाँ से डाउन किया और इसको दिया। तो अब मैं इस पर वोल्टेज देता हूँ, एनेबल के पॉइंट देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया है यहाँ पे, और ये 5 वोल्ट का पॉइंट है इस मॉड्यूल का, जैसे कि मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अब हम इस पॉइंट पे एनेबल देंगे, 3.3 वोल्ट एनेबल अपने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस के, जो कि हमारी इस आईसी के इस पिन से आएगा। ये जो पिन आप देख रहे हैं, इस पिन से हमारा 3.3 वोल्ट एनेबल आएगा। तो यहाँ से हम एनेबल उठाएंगे और यहाँ पे हम एनेबल देंगे। मैं इसका भी कनेक्शन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं एनेबल के। अब यहाँ पे एनेबल के सिग्नल आएंगे। अब हमें 5 वोल्ट पैनल पे देनी है VCC, तो अब हम उसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 5 वोल्ट के भी कनेक्शन कर दिए हैं। ये ब्राउन वायर हमारी 5 वोल्ट लाइन पे चलेगी, पैनल लाइन पे। तो ये सारे ही कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको कनेक्शन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से मेरे से कनेक्शन पूछ सकते हैं, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी हैं, कोई इसमें शंका नहीं वाली चीज़ रही नहीं गई। तो चलिए आइए दोस्तों,
टीवी ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा टीवी रेडी हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल्स को थोड़ा किनारे करेंगे ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो। अपने भाई साहब से बोलेंगे कि जरा कैमरे को पकड़ें। ये दोनों मॉड्यूल्स मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। ये टीवी को हम खड़ा कर लेंगे। अब हम टीवी को ऑन करेंगे। ये मॉड्यूल्स मेरे हाथ में हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए टीवी हम ऑन करते हैं। लाइट हमारी जल गई, सोनी का लोगो हमारा आ गया। टीवी हमारा रेडी। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने अपने टीवी को रेडी कर लिया और सारे कनेक्शंस मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिए। अभी मैं आपको फिटिंग करने के बाद फिर से दिखाता हूँ टीवी पोच के, और फिटिंग करके सारी चीजें फिर से दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों कुछ दोस्त कहेंगे, म्यूट कर दीजिए जरा आवाज को, थोड़ा आवाज को म्यूट कीजिएगा। तो दोस्तों कुछ हमारे दोस्त कहेंगे कि आप एनेबल एनेबल कर रहे हैं, एनेबल का क्या मतलब है? तो मैं आपको दिखाता हूं एनेबल का क्या मतलब है। आपको मैं सिंपल वे में समझा देता हूं कि अगर हम इस मॉड्यूल से भी 5 वोल्ट डायरेक्ट देते तो ये हमेशा हमारे स्केलर पे वोल्टेज 5 वोल्ट अवेलेबल रहती। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये एनेबल का मतलब और एनेबल का काम। तो अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट नियर अबाउट 5 वोल्ट खड़ी हुई है। मैं आपको मल्टीमीटर में शो कर देता हूँ। ये मल्टीमीटर कुछ कम बताता है हमारा वोल्टेज। देखिए करीबन 4.76 वोल्ट हमारी खड़ी हुई है और हमारा टीवी चालू है। अभी मैंने म्यूट करवाया उसको, अनम्यूट कराता हूँ टीवी को और आपको दिखाता हूँ। अनम्यूट कीजिएगा टीवी को, ठीक है? आप देखिए हम टीवी को बंद करेंगे, जैसे ही हम टीवी को बंद करेंगे वैसे ही हमारी यहाँ से 5 वोल्ट खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। ये देखिए हमारा मॉड्यूल प्रॉपर वर्क कर रहा है, मॉड्यूल अभी भी काम कर रहा है। हम टीवी को बंद करेंगे, ऑफ कीजिए टीवी। टीवी हमारा ऑफ हो गया। ये देखिए यहाँ से हमारी 5 वोल्ट जा चुकी है लेकिन हमारा मॉड्यूल अभी भी वर्क कर रहा है। मॉड्यूल पे अभी भी हमारी वोल्टेजेस हैं, देखिए 12 वोल्ट अभी भी हैं मॉड्यूल पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं है। यही है एनेबल का तरीका। एनेबल होने से हमारा सिस्टम सिक्योर रहेगा। जब हम टीवी को ऑन करेंगे तभी हमारी 5 वोल्ट पैनल पे जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे एनेबल मैंने क्यों किया। तो दोस्तों देखिए ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, सारे प्रॉपर चिपका दिया है, सारे कनेक्शनों को कर दिया है और टीवी हमारा रेडी है। अब हम टीवी को पैक करेंगे, उसके बाद आपको चला के दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों देखिए टीवी हमारा स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट क्लास चल रहा है टीवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।